रियान से कुछ भी कहो उसे यकीन नहीं आएगा। तुम इसकी वकालत करने आई हो? ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा, तुम ये सब कुछ अकेले मैनेज कर लोगे? कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ेंगी, लेकिन तुम्हें एक बात का ख्याल रखना होगा कि अलिशबा की प्रेगनेंसी के बारे में घर में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तुम सुन रही हो ना? पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें रियान से बात करनी चाहिए, हो सकता है इसका कोई बेहतर हल निकल आए। मैं रियान को अच्छी तरह जानता हूँ, वो पढ़ा लिखा और समझदार जरूर है, लेकिन अपने खानदान के रस्म और रिवाज के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाएगा। कभी माफ नहीं करेगा मुझे, वो दुश्मन बन जाएगा मेरा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने आंटी से अलिशबा के बारे में बात की? नहीं, अभी तक तो नहीं बताया। तो फिर कब करोगे? अनस, इस तरह किससे बात कर रही थी? किसी से भी नहीं। ज्ञान क्या? मुस्कान, फोन दो मेरा। तुम अनस से बात कर रही थी? वो दादाजी, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली, कल शाम को चलेंगे डॉक्टर की तरफ। नहीं भाई, मुझे डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। खामखा अस्पतालों के चक्कर लगाकर मुझे वहशत सी होने लगी है। लोगों का रश देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे सिर्फ मैं ही नहीं पूरा शहर बीमार है। लेकिन अब्बा जी, डॉक्टर ने कहा है कि हर महीने आपका चेकअप बहुत जरूरी है। खामोश क्यों? जवाब दो ना। फोन दो मेरा। ये तो मुस्कान, रियान की आवाज है ना, क्यों चीख कर शोर मचाया हुआ? पता नहीं अब्बा जी। हाँ दादाजी, मैं भी देख रहा हूँ कि एक दो दिन से ये लोग काफी लड़ रहे हैं। अब हमारा रियान बेचारा तो काफी धीमी तबीयत का है। आप माने या ना माने, ये जरूर मुस्कान कुछ ना कुछ करती होगी। ऐसा क्या हो गया इन दोनों के दरमियान? पहले तो नहीं झगड़ते थे? इश्क मोहब्बत की शादियों में ये सब कुछ तो होता है ना, जूतियां तो खानी पड़ती। कमर जहां, बेटा देखो क्या बात है और क्या चल रहा है इन दोनों के दरमियान, जरा समझा बुझा के सुलह सफाई करा दो। जी मैं देखती हूँ। तुम फिर अनस से बात कर रही थी मेरे मना करने के बावजूद? मुस्कान मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग खराब है? तुम्हें कुछ कहता हूँ समझाता हूँ, सुनती नहीं हो? क्या सुनना चाहते हो तुम? मैं कुछ भी कहूँ तुम यकीन कर लोगे? तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, बेहतर है कि मैं खामोशी से चली जाऊं। बात सुनो मेरी, सच सच बताओ, बाकी चल रहा है तुम्हारा और अनस का कुछ? तुम्हारी सोच इतनी घटिया है कि मैं कुछ भी कहूं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा जो दिन में आता है वो समझो। रियान, क्या बात है, क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम दोनों? मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे, क्या हुआ है? दिमाग खराब हो गया आपके भतीजे का? रियान, मुझे कुछ बताओगे कि क्या बात है? मैंने तुम्हें पहले कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा है। चुप क्यों खड़े हो, कुछ तो बोलो। तुम्हें कुछ अंदाजा है? तुम दोनों के झगड़ने की आवाज नीचे तक आ रही है। अब्बा जी ने सब सुन लिया है, वो किस कदर परेशान हो रहे हैं। अरे इस तरह तो शाहजेब और तबस्सुम में नहीं लड़ते हैं। उनकी आवाज कभी भी कमरे से बाहर नहीं गई है। शायद इसकी वजह यह है कि तबस्सुम जबान नहीं चलाती, और तुम्हारी बीवी तुम्हें जवाब दे रही थी। क्या बात है, खुलकर बताओ। पप्पू जी, मुस्कान ठीक नहीं कर रही। हुआ क्या है, कुछ तो बोलो। अभी मैं किसी से इस बारे में बात नहीं कर सकता, सॉरी।
यहाँ पर औरतों की तरह सर झुकाकर बैठने का क्या फायदा? मर्द बनो मर्द। भाई जी अभी नहीं, मुझे आपसे अभी बिल्कुल बात नहीं करनी। ठीक है, अगर तुम नहीं बात करना चाहते तो मत करो, लेकिन जानते दुख मुझे इस बात का है कि आखिर तुम्हारी गैरत मर कहां गई जो हमारे खानदान के खून में शामिल थी। अगर मेरी बीवी इस तरह की हरकत करती ना तो मैं उसका वो हाल करता कि सारी जिंदगी वो याद रखती। मुझे नहीं समझ आ रही मुस्कान, मेरी मुस्कान जिसके लिए मैं उसका सब कुछ हूं, वो कैसे धोखा दे सकती है मुझे? वो कैसे धोखा दे सकती है? ये तुम्हारा अंधा एतमाद है उस पर जिसका वो नाजायज फायदा उठा रही है। तुम कब समझोगे कि इस दुनिया में हर औरत एक जैसी नहीं होती? रिया, कुछ औरतें गिरगिट की तरह रंग बदलती हैं और तुम्हारी मुस्कान वो भी उनमें से एक। देखा नहीं तुमने कैसे मैंने अपनी बीवी की लगाम खींच के रखी हुई है? उसकी जरूरत नहीं है कि वो इस तरह की कोई हरकत भी कर सके। और एक तुम अपनी बीवी को सर पे बिठा के रखा हुआ है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं करूं तो करूं क्या? क्या समझ में नहीं आ रहा? तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया और तुम कह रहे हो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। देखो रिया, अब भी वक्त है तुम्हारे पास। कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों के चक्कर में तुम किसी से नजर मिलाने के काबिल भी ना रहो। अनस, कहाँ जा रही हूँ? मैं जरा सुपरमार्केट तक जा रही हूँ। तुम्हें बताया था ना कि घर का सौदा सेल्फ लाना है। मैंने कहा था मैं शाम तक ले आऊंगा, आप क्यों जा रही हैं? तुम रोज यही कहते हो मुझसे और तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता कुछ काम करने का। बस मैं सौदा सेल्फ लेके फौरन आ जाऊंगी, ठीक है? और तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। कुछ नहीं चाहिए, जल्दी आ जाना। अम्मी आप फिर से कुछ भूल गई ना? तुझे क्या लगा था? रिहान तू? मुझे कुछ पता नहीं लगेगा। क्या हुआ यार? तू कुछ भी करता रहेगा मुझे पता नहीं लगेगा। देख मैं मानता हूं मुझसे रिहान गलती हुई है, लेकिन गलती जो तूने किया है उसको गुनाह कहते हैं। धोखा दिया है मुझे, भरोसा किया था तुम पे। तुम और मुस्कान एक दूसरे को पसंद करते थे, मुझे बता देते, कभी दरमियान में नहीं आता मैं। क्या 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 क्या? मैं और मुस्कान? तेरे दिमाग को फिक्र क्या कह रहा है? बस बस तो बनने की कोशिश मत कर, सब कुछ जान गया हूं मैं, मुस्कान के मुंह से खुद सुनकर आ रहा हूं।
दोस्त था तू मेरा, एक वाहिद दोस्त था मेरा, और मुस्कान वो मोहब्बत थी मेरी, मेरी जिंदगी थी। तुम दोनों ने सब कुछ छीन लिया मुझसे यार। पता नहीं तू क्या बोल रहा है, लगता है कोई गलत फहमी में, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है अनस, जो कुछ चल रहा है तुम दोनों के दरमियान मुस्कान मान चुकी है। कितना झूठ बोलेगा, बस कर। पता नहीं तू क्या कह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। तो एक वाहिद दोस्त था मेरा, भरोसा किया था तुम पे, इतना कैसे गिर सकता था यार। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा तू कैसी बातें कर रहा था, दिमाग खराब हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यार। जो कुछ तुमने किया है ना अनस, उसकी सजा मिलेगी तुम्हें। तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता आज के बाद, तू और मैं, वी आर डन। नहीं रेहान, मेरी बात सुन, मेरी बात तो सुन यार। क्या नई मुसीबत आ गई है? मैं मुस्कान, दिमाग खराब हो गया इसका। यहाँ क्या कर रहे? मैं तो तुम्हारे आंसू पहुंचने के लिए आया था, सोचा तुम्हारा काम थोड़ा कम हो जाएगा, और तुमने मुझ पर ही गुस्सा कर दिया। वैसे रियान को तुम पर इस तरह शक नहीं करना चाहिए था। ठीक है अनस तो शक्ल से ही ऐसा दिखता है, लेकिन तुम तो उसकी बीवी हो, तुम पर कैसे शक कर सकता है वो? अरे इतने अरसे से तुम लोग साथ हो। आपको मेरी या रियान की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा जाती मामला है। क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर, इस दिल को कौन रोकेगा? भाई जी, बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करें, क्या कहते रहते हैं आप? तो क्या गलत कह दिया मैंने? तुम भी मेरी फैमिली की तरह हो, इस घर का बड़ा हूं, इस घर के हर फर्द के बारे में एहसास करना मेरा फर्ज है। मेरे लिए सिर्फ मेरे शौहर की जाय अहमियत और मोहब्बत मानी रखती है। कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम रेहान के लिए अहम होती ना, तो वो तुम पर इस तरह शक नहीं करता। मेरे और रेहान के दरमियान में जो कुछ भी है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ मैं खुद हैंडल कर लूंगी। बहुत भोली हो, जिस दिन रियान की मोहब्बत का भूत सर से उतरेगा ना, उस दिन असलियत तुम्हारे सामने आएगी। भाई जी, जी मैं अच्छी तरह जानती हूं कि मेरे और रियान के दरमियान में आग लगाने वाला कौन है, और मैं चाहती हूं कि यह आग भड़के, खूब भड़के, ताकि मैं उस आग लगाने वाले का गरूर उसी आग में जलाकर खाक कर दूं। ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो?
ठीक यही रिएक्शन रियान का भी था। उसे लगा कि मैं उसकी बीवी के बारे में झूठ बोल रहा हूं। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तस्वीरें खींच ली। ये देखिए, देखिए, अगर अनस के साथ मैं ये तस्वीरें ना खींचता तो उसे भी यकीन नहीं आता। अच्छा, तो ये बात है जिसकी वजह से इन दोनों में लड़ाई हो रही है। लेकिन शाहजेब, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। वैसे देखा जाए तो मुस्कान इस किस्म की लड़की लगती तो नहीं है। ओहो जी, वो बन गई ना आप ही बेवकूफ, पड़ गया ना आपकी आंखों पर भी पर्दा। मैं जाने उस मासूम चेहरे के पीछे कितने चेहरे छुपे हैं। और आप ये मत भूलिए कि वो बिलाल चचा की बेटी। ठीक कह रहे हो। देखिए पप्पू, रियान ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, अभी वो जख्मी है, लेकिन आप चाहें तो उसे अपाहिज होने से बचा सकती हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं शाहजेब। देखिए पप्पू, आप प्लीज रियान से बात करें, उसे समझाइए कि इस किस्म की बदकिरदार औरतों की जगह हमारे खानदान में नहीं है। और वैसे भी जख्म जब नासूर बन जाए तो उसे काट कर फेंक देना चाहिए। इससे पहले कि वो पूरे जिस्म में जहर बन के फैले। तुम अभी तक सोई नहीं? रियान का इंतजार कर रही हूँ। देखो ना कितनी रात हो गई है, फोन भी उठा रही, कब से ट्राई कर रही हूँ। मुस्कान, वो रियान भाई अनस से मिलने गए थे। तुम्हें कैसे पता? अनस ने मुझे बताया। बहुत गुस्सा किया भाई ने उस पर, उल्टी सीधी बातें कहीं तुम्हारे और उसके मुतालिक। इन सारी चीजों की वजह सिर्फ मैं हूँ। जो कुछ भी तुम्हारे और भाई के दरमियान चल रहा है ना, वो सिर्फ मेरी वजह से चल रहा है। तुम एक काम करो, तुम भाई को जाकर सब कुछ सच सच बता दो, उन्हें बता दो तुम मेरी शादी का। पागल हो गई हो तुम? खुदा का वास्ता है, ऐसी बातें अपनी जुबान से मत निकाला करो। मुझे डर लगता है कि कोई सुन ना ले। अंदाजा नहीं है कि मुझे कितना डर लगता है उस वक्त से जब। हैरत है कि तुम्हें भी किसी से डर लगता है। वैसे किस वक्त से डरने की बात कर रही थी तुम मुस्कान? पप्पू जी, मैं तो बस ऐसी बात कर रही थी अलिश्वा से, कुछ खास नहीं। और तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए ना। इस लड़की को तो ना अपनी इज्जत का ख्याल है और ना हमारी। कहीं ऐसा ना हो कि इसके असरात तुम पर भी होने लगे। अब खड़ी क्या हो, जाओ यहां से, जाओ आराम करो। अब तुम क्या खड़े होके मुझे देख रही हो, जाओ यहां से। मुझे रियान अभी तक घर नहीं आए, कब से इंतजार कर रही हूँ, फोन भी ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। वही शौहर वक्त पर घर आते हैं जिनकी बीवियां उन्हें सुकून देती हैं। और जिसकी बीवी तुम जैसी हो, उस शौहर का क्या खाक दिल करेगा घर वापस आने का।
कहाँ थे? इतनी देर से घर आए हो, पता है मैं कब से इंतजार कर रही थी। से कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दो। मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे, मैं कितना परेशान हो गई थी। क्यों, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? मुझे तो लगा बहुत खुश होगी कि मैं नहीं आया, दुआएं कर रही होगी कि मैं कभी ना आऊं। मौका मिल जाता ना हमेशा के लिए उसे उसके पास जाने का। परेशान हो रही थी, झूठ। रेयान, ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? कितने कमजोर हो गए हो, अपना ख्याल नहीं रखते हो ना? ठीक तो हूँ भूपू जी, ये क्या हुआ? मैं तुम्हें भी देख रही हूँ और मुस्कान को भी। तुम्हें याद होगा रेहान, मैंने मुस्कान से शादी के लिए तुम्हें मना किया था। मैंने तुमसे कहा था कि मुस्कान की तरबियत एक अलग माहौल में हुई है और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि मुस्कान हमारे घर के माहौल को कभी एडजस्ट नहीं कर सकती। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। किस्मत के लिखे फैसले हैं पप्पू जी, इनको कोई नहीं बदल सकता। अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं, कान दिए हैं और उनका इस्तेमाल भी बताया है। रेयान, मैं मुस्कान और तुम्हारे दोस्त के बीच में क्या चल रहा है सब जानती हूँ। अब मैं तुमसे क्या कहूँ, क्या चल रहा है, तौबा खैर छोड़ो इस बात को। तुम मुझे ये बताओ कि ये सब कब तक चलता रहेगा? क्या सोचा है तुमने? मुझे नहीं पता पप्पू जी, अभी मैंने सोचा है। रेयान, देखा जाए तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरी मानते हो तो मुस्कान से जान छुड़ा लो। ऐसे क्या देख रहे हो? ये सोच लेना कि मुस्कान को समझने में तुमसे गलती हो गई है और इस गलती को सुधारा जा सकता है। तलाक दे दो मुस्कान को। क्या कह रही हैं पप्पू जी? ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं की है मैंने रेयान। तुम सच कह रही हो लाइबा? हाँ लिशपा, मैंने खुद सुना है अपने कानों से। पप्पू जी रियान भाई से कह रही थी कि वो मुस्कान को छोड़ दें, तलाक दे दे उसे। तो ये समझ में नहीं आ रहा, तुम सोचो अगर ऐसा हो गया तो? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होने दूंगी। मुस्कान ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, अपने किरदार पर थप्पा तक लगवा लिया। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। और लिशपा, हमें कुछ करना होगा मुस्कान के लिए, ऐसा ना हो कि हमारी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। हाँ लारबा, मैं तो उस दिन भी रियान भाई को जाकर सब कुछ सच बताने वाली थी, मगर मुझे मुस्कान ने रोक लिया। काश मैं उस दिन मुस्कान की बात ना सुनती। रिश्पा, अगर तुम कहो तो मैं बात करूं रियान भाई से। तुम्हें क्या लगता है, रियान भाई को जब पता चलेगा मेरी और इसकी शादी का, तो वो क्या कहेंगे?
मुझे नहीं पता अनुष्पा, लेकिन अब हमें हिम्मत करनी होगी। मगर लाए बाप, रियान भाई मुस्कान को हमसे ज्यादा जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं। उन दोनों का काफी पुराना साथ है, फिर भी वो अनस और मुस्कान पर शक कर रहे हैं। नहीं अनुष्पा, इसमें रियान भाई का क्या कसूर? अगर उनकी जगह पर कोई और होता तो शायद वो भी यही करता, क्योंकि रियान भाई को तो हकीकत का पता ही नहीं है। तो ठीक कह रही हो लाइबा, मैं अभी जाकर रियान भाई को सब कुछ सच सच बता देती हूँ, ताकि उनकी और मुस्कान के पीछे गलत फहमी दूर हो जाए। मैं उनको सब बता दूंगी। अनुष्पा रुको, तुम अभी नहीं जाओ, अभी बहुत रात हो रही है, कल सुबह हम दोनों साथ चलेंगे। तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मैं। मेरा नाम नहीं लिखा होगी अपने हाथों पर? जब मेरे दिल पर तुम्हारा नाम लिखा है तो कहीं और लिखवाने की क्या जरूरत है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें अपने पास से कहीं ना जाने दूं, पूरी रात बातें करता रहूं और तुम्हें देखता रहूं। लाइबा जी, शाहजेब भाई किधर है? लाइबा जी, लाइबा जी। हाँ। वो मैं पूछ रहा था कि शाहजेब भाई जी को देखा है आपने? नहीं, पता नहीं कहाँ। क्या बात है लाइबा जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या करूं, ये बात किससे कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं वाकई बहुत परेशान। सब ठीक तो है ना लाइबा जी, आखिर बात क्या है? तुम तो सब जानते हो ये बात, रियान भाई और मुस्कान बिला वजह लड़ रहे हैं, उन दोनों के बीच में गलत फहमियां पैदा हो रही हैं। लाइबा जी एक बात कहूं? कहूं? मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया, आप रेहान भाई को अनिश्चित जी और अनस साहब के निकाह के बारे में बता दें, इससे पहले कि ये बात बाकी सबको भी पता चल जाए। रेहान भाई के इल्म में लाना जरूरी है, वो भाई जी जैसे नहीं है, वो संभाल लेंगे सारे मामले को। क्या सोच रही हैं लाइबा जी? ये बात तुम रेहान भाई को नहीं जानते, वो इस मामले में बिल्कुल शाहजेब भाई जैसे ही है। तो क्या आप मुस्कान भाभी के साथ नाइंसाफी होने देंगी? ये भी तो गलत है, एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलना पड़ रहे हैं, इस बात का अंदाजा है आपको? और कब तक छुपाएंगे आप और अनिश्चित जी? साहिबा जी, एक ना एक दिन ये बात सबके सामने खुल जानी है। क्या ये बेहतर नहीं कि कल को जो राज फाश होना है आज आप खुद बता दें? कयामत तो आज या कल दोनों सूरतों में ही आनी है।
भाभी ये देखें काफी है और काटो। हाँ छोड़ो मैं देख लेती हूँ उससे कितने चाहिए। क्या हुआ लिश्मा? कुछ नहीं भाभी। तुम अचार खा रही हो? वो भाभी तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ सुबह से ना वो बहुत कड़वा हो रहा था इसलिए मैंने सोचा कि मैं अचार खाकर थोड़ा सा मुंह का जायका ठीक कर लूं। तुम्हारे मैदे के मसला है ना? हाँ भाभी डॉक्टर ने तो यही कहा था। अच्छा अरे मुझे याद आया भाभी मुझे ना लाइबा बुला रही थी मैं ना उसे देखकर आ जाती हूँ। अचार खा रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ सुबह से ना वो बहुत कड़वा हो रहा था इसलिए मैंने सोचा कि मैं अचार खाकर थोड़ा सा मुंह का जायका ठीक कर लूं। तो बस सुन मेरे कपड़े निकाल। तबस्सुम आपने कुछ कहा? मैंने कहा मेरे कपड़े निकाल दो। जी अभी निकाल। क्या सोच रही थी? कुछ नहीं। कहीं तुम भी मुस्कान की तरह किसी और के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक कह रही हो। आखिर तुम्हें कौन पसंद करेगा? और वैसे भी ना तो तुम मुस्कान हो और ना ही उसकी तरह। वैसे मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुस्कान इतनी घटिया हरकत करेगी। मुस्कान वाकई ऐसी नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि रियान को ये गलत फहमी कैसे हो गई। मुस्कान जितनी सीधी नजर आती है उतनी है नहीं। बैठी क्या हो? जाओ जाकर कपड़े निकालो।